यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि बोनस शेयर आपको देने जा रहा है। दोस्तों फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है, इस स्टॉक को हम ऐसे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले थे तो अब नेक्स्ट डे हम करेंगे, क्योंकि आज इसका बोनस का जो न्यूज है वो आपको मैं देने जा रहा हूं। तो देखिए इसका सबसे पहले देख लेते हैं प्रोज और कॉन्स। जो प्रोज, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी जो है अपने डेट को रिड्यूस किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री भी हो चुका है, साथ साथ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36%। अब यहाँ देखिए निगेटिव चीजें क्या है, सेल्स ग्रोथ जो है 9% है, 9.95%, मतलब 10% के आसपास सेल्स ग्रोथ है तो ठीक है, 10% का सेल्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म में काफी मायने रखता है। कंपनी इसी रेट से ग्रोथ होता रहे, मतलब सेल्स ग्रो करता रहे तो काफी बेहतरीन साइन है हमारे लिए। अभी सबसे बात जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जो हम टॉप लाइन एनालिसिस करते हैं, तो सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स 13,000 करोड़ का था 2010 में, जो कि बढ़ के हो गया 56,000 करोड़ का। देखिए 5 times का 10 years में जंप है, लगभग 10 to 11 years में। प्रॉफिट की बात करें 184 करोड़ का था 2010 में, बढ़कर के हो गया 756 करोड़ का। तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी लगभग 4 times का इंक्रीज है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट में ग्रोथ जो है सेल्स के इतना नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ कम हुआ है। देखिए मात्र 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इतना कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब देखिए बैलेंस शीट की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल कंपनी के पास है अब 78 करोड़ का, और रिजर्व जो कंपनी के पास 4,856 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2010 में मात्र 997 करोड़ था, तो लगातार इंक्रीज हुआ है। बोरबिंग की बात करें 1,149 करोड़ था 2010 में, लगातार यहां से इंप्रूव होते होते बोरबिंग जो है काफ़ी कम हो गया है। देखते हैं इतना इंप्रूव हुआ है कि पिछले साल 2020 में लगभग 2,775 करोड़ था, अभी मात्र 622 करोड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा जो डेट है कंपनी का, जो बोरबिंग है वो काफ़ी कम हुआ है। अब कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का जो कैश फ्लो है लगातार पॉजिटिव रहा है, थोड़ा बहुत कभी निगेटिव हुआ जो कि काफ़ी कम था, लेकिन यहाँ पर देखिए कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 3,497 करोड़ का जनरेट किया है, और नेट कैश फ्लो भी कंपनी का ऑलमोस्ट हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन साइन है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 21%, ये भी इम्प्रूव किया है कंपनी। डेबिटर्स डेज ये भी इम्प्रूव किया है, मात्र 44 का डेबिटर्स डेज बचा है। इन्वेंट्री टर्नओवर 16 का है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कंपनी का जो माल बनता है वो फटाफट बिक जाता है, मतलब पहले से माल लेने वाले वो रेडी है लाइन में। अब बात करें इसके जो प्रमोटर्स का स्टेक है, साथ साथ जो अलग अलग स्टेक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो FI का स्टेक है काफ़ी ज़्यादा है, 41%, प्रमोटर्स स्टेक मात्र 11%। और देखिए यहाँ इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई प्रमोटर स्टेक है ही नहीं। देखिए FI का स्टेक यहाँ 41% है, तो आप FI के स्टेक को ही प्रमोटर का स्टेक मान सकते हैं, क्योंकि FI जो है वो प्रमोटर के स्टेक के रूप में ही हम लोग लेते हैं। DI का स्टेक भी अच्छा खासा है, 15.93। पब्लिक का स्टेक इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी अच्छी कंपनियों में पब्लिक स्टेक अच्छा खासा देखने में मिला है, 42.82% का। और इसमें भी देखिए कई सारे तो फंड हाउसेस ही हैं, देखिए मॉरिसस हाउस, तो ये भी कहिए पब्लिक का स्टेक काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर 24+9=33, मतलब 34 हो गया, 35-36%, इसमें मात्र देखिए कहाँ है, मात्र 6% पब्लिक का स्टेक है, पब्लिक का स्टेक है ही नहीं इस कंपनी में। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में देख सकते हैं सारा का सारा जो स्टेक है वो किसका है, FI का है, ऊपर में भी 42 के आसपास, यहाँ भी आप लगभग 36-37% FI का स्टेक ही है, तो ऐसे स्टॉक में देख सकते हैं पूरे के पूरे FI का स्टेक ही भरा पड़ा है। ये बेहतरीन स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, जो IT प्रोडक्ट है 235 इंटरनेशनल कंपनी का, उसे ये वर्ल्ड वाइड सेल करती है ये कंपनी, तो ये आपने बिजनेस को भी समझ लिया। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है मार्केट कैप, तो मार्केट कैप भी अभी कंपनी का बस मिड कैप स्टॉक्स है ये। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है 1.18%, करंट प्राइस है 322 रुपीज, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो देख ही लिया आपने, लगभग 20.4% काफ़ी बेहतरीन है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% काफी बेहतरीन है, कोई भी प्रमोटर का स्टेक नहीं है, मतलब पूरी तरह से पब्लिक कंपनी और इसमें ज्यादातर FII का स्टेक है। और ऐसे भी कंपनी काम भी करती है वर्ल्ड वाइड, सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को सेल करती है। अब बात करते हैं इसके बोनस इश्यू का। तो यहाँ पर देखिए रेडिंगटन का जो बोनस इश्यू है 1:1 के रेशियो में है। अगस्त 20 इसका रिकॉर्ड डेट है और 18 अगस्त इसका एक्स बोनस डेट है, मतलब 17 अगस्त को जिसके पास भी इसका शेयर होगा उसे बोनस शेयर मिलेगा। तो बोनस शेयर फायदा करता है किसमें, लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसमें बने रहें, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और इस पर हमारा आने वाला अगला वीडियो भी होगा, कौन कौन से कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट ये सेल करती है, डिटेल में हम बिजनेस और डिटेल में इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे। और अगर हम चार्ट आपको यहाँ पर दिखाएं तो चार्ट तो काफ़ी सॉलिड है, जब कंपनी का प्रोडक्ट ही सॉलिड है, कंपनी का प्रॉफिट हर चीज़ सॉलिड है, देखिए चार्ट कितना सॉलिड है। कंपनी यहाँ से मूव किया है 60 रुपीज़ से और अभी 321 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ये हाई बना चुका है 357 रुपीज़ का। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 600% का रिटर्न दिया लगभग एक से डेढ़ सालों में जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था 2020 के गिरावट में। तो ऐसे ही बेहतरीन शेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।